सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू कुकस्मार्ट। कुकस्मार्ट में आज की शुरुआत करते हैं एक प्योर वेजिटेरियन रेसिपी के साथ में। और ये जो वेजिटेरियन रेसिपी है ये रेस्टोरेंट वगैरह में तो बड़ी बढ़िया मिलती है, महंगी मिलती है, लेकिन घर में बनाने के लिए आसान तरीका बताता हूँ। भाई देखिए, तंदूरी आलू जो है वो बनाने को मतलब कैसे बनाया जाए, नहीं मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाएगा। उसके साथ साथ उसमें कुछ स्टफिंग भी करी जाएगी और तंदूरी मैरिनेट भी बनेगा, सारी चीज़ें बनेंगी। तो सबसे पहले तो आलू ले लें, और जो आलू हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के लें, बड़के आलू। तो ये जो आलू हैं ये लेकर फिर हमें क्या करना है, इसे उबाल लेना है। अच्छा, उबालने के लिए एकदम 100% उसे ना उबालें, हल्का सा थोड़ा कच्चा रख दें। ये देखिए, मतलब थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसके अंदर। तो ये लिया और आलू जो है इसको इस तरह से काट लिया। अच्छा, इसके बाद ये छिलका है ऐसे ही रहने दें। और ये जो आलू है इसमें क्या करना है, इसको जरा हम निकाल लेते हैं बीच में से। ये देखिए, कि आप छुरी से करें, स्पून से करें, कैसे भी करें, इसको स्कूप कर लेना। और ये जो आलू है ना, ये इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू के पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कटलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही ले लेते हैं, दही के साथ साथ और क्या चाहिए हमें, दही के साथ साथ हमें चाहिए ये मेरे पास रेड चिली और जिंजर गार्लिक। जी हाँ, सूखी लाल मिर्च और उसके साथ साथ अदरक लहसुन। तो ये जो चीजें हैं, ये देखिए, लाल मिर्च, अदरक लहसुन, इन तीनों चीजों को मैंने पीसा हुआ है और इसकी पेस्ट तैयार की है। फिर क्या करना है, फिर इसको जरा मिक्स करना है। ये मसाला तैयार हो गया, और ये जो मसाला है इसमें नमक, तो ये नमक भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये लीजिए नमक स्वाद अनुसार, और उसके साथ साथ इसमें नींबू का रस। चलिए जी, तो ये जो मिक्सचर है, मसाला है आलू का, ये क्या करना है, इसे जरा इसमें लगा देना है। तो इसको जरा मिक्स कर लें। ये आलू मिक्स हो गए, आलू हो गए। अब इसकी स्टफिंग तैयार करनी है हमें, और ये स्टफिंग के लिए ये लीजिए कुछ चीजें मेरे पास। ये जैसे मेरे पास में है चीज, तो ये चीज ले लेते हैं, नॉर्मल प्रोसेस चीज, और ये चीज इसके अंदर डालेंगे। और ये हम बना रहे हैं तंदूरी स्टफ्ड आलू, तंदूरी आलू बोट। जी हाँ, ये बोट शेप में हमने इसे बनाया है। तो अब ये चीज हो गया, उसके साथ साथ पनीर, तो पनीर जो है उसको मैश करके, ग्रेट करके, वो भी इसके अंदर डालना है। तो ये हमने देखा चीज और पनीर जैसी चीजें पड़ रही हैं, तो फिर इसके अंदर आलू का, जो आलू बीच में से निकला हुआ है उसका क्या काम है ना। तो ये अब देखिए पनीर आ गया, और पनीर चीज के साथ में ये मेरे पास कुछ कॉर्न के दाने, ये लीजिए कॉर्न के दाने, और इसमें हम डाल देते हैं चाट मसाला। ये लीजिए चाट मसाला इसके अंदर, बाकी मिर्च वगैरह सब उसमें है। अब क्या करना है, पनीर चीज और कॉर्न ये ले लिया, इसे जरा मैश करते हैं अच्छी तरह से। आलू सबको पसंद आते हैं, लेकिन आलू फ्राई करके खाने में, हाँ वो तो फिर कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए ये तंदूरी स्टाइल में आलू बोट। इसके बाद में क्या करना है, ये जो हमारे पास आलू हमने मैरिनेट किए हैं ये ले लेते हैं। ये जो हमारे पास मिक्सचर है, कॉर्न चीज ये सारा मिक्सचर ये ले लेते हैं, और इसको इसके अंदर भर दिया। ये लीजिए
और इसके बाद क्या करना है, अगर ये जो मैरिनेड है ये बच जाए तो इसको इसके ऊपर। और फिर अब क्या करना है, इसे पकाना है। और ये हमारे पास, ये लीजिए एयर फ्रायर। और अब क्या करते हैं, ये ले लेते हैं आलू। आ गए इसके अंदर और इसको रख देते हैं हम पकने के लिए। ₹180 के टेम्परेचर पर इसको हम पकाएंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट में आप देखिए कि कैसा ये तैयार हो गया। हाँ, अगर आपको लगे कि ड्राई है तो हल्का सा इस पे तेल लगा सकते हैं और 2 मिनट और इसे पकाएं। लेकिन मेरे ख्याल से तेल वगैरह की जरूरत नहीं है। चीज़ इसके अंदर है, दही है, अपना उसका मॉइस्चर है, टेस्टी है, डिलीशियस है। आलू में जो कसर है ना वो इतनी देर में पूरी हो जाएगी, आलू पूरी तरह से पक जाएंगे। जैसे ही आप इसे खाएंगे गर्मा गर्म काट के ड्राई आलू, लेकिन अंदर से मॉइस्ट, मसालेदार, नाइस क्रीमी चीज़ी, कॉर्न की मिठास, या एक मीठा टेस्ट थोड़ा सा कम था वो कौन से पूरा हो जाएगा। तो बस खट्टा मीठा तीखा नमकीन टेस्ट इस तंदूरी आलू बोट का।